पत्नी को चुप करने का रामबाण तरीका, मुंह में थर्मोमीटर डाल दो। जी ये मैं मजाक कर रहा था, असल में जिया थोड़ा बीमार हो गई है और सारा कपड़ा बिखरा पड़ा है। अभी सोची थी सुबह करके समेटेगी, कल गई ऊपर सोने और बुखार हो गया। अब क्यों बुखार हुआ है ये तो पता नहीं। कितना है? 100 हो गया है, कल 99 था और 100 हो गया है आज फीवर। ठीक से पानी सब नहीं छूना है, पानी जो छूने लगती है कपड़ा धोने लगती है झट से। तुमको लगता है क्या? क्या वो जो ऑटो में सवारी करी है इस वजह से हवा लगा है? रात के टाइम हम लोग आए थे यात्रा करके, हमें जैसे मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा हो जाता है। तो अब देखिए हमारी क्या हालत होने वाली है, आगे बताते हैं आपको। और जी मैं यहाँ पर अपना बेड ठीक कर रहा हूँ। जी इस बेड को ठीक करने में थोड़ी सी मुझे परेशानी आती है, और वो इसलिए कि ये बेड जो है काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर जब भी हम चादर बिछाने जाते हैं चादर को इधर खींचो तो उधर से निकल जाएगा, उधर खींचो तो इधर से निकल जाएगा। और दूसरी तरफ जिया के लिए तो लगता है ये बाएं हाथ का खेल है, आती है और झट से चादर बिछा जाती है। पता नहीं जिया कैसे कर लेती है ये सब। यहाँ पर देख रहे होंगे मेरा बेड टेबल है, उसके ऊपर लैपटॉप है, तो हम छत पर तो काम करते हैं ही, और जब वहाँ से थोड़ा उब जाते हैं तो नीचे भी आ जाते हैं काम करने के लिए, और इसी बेड पर काम करते हैं, इस बेड टेबल पर। और ये असल में टेबल मंगाया था मैंने जिया के स्टडी के लिए, तो जिया इस टेबल पर स्टडी भी करती है और मैं अपना काम भी करता हूँ। कभी कभी इस टेबल को लेकर के लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि इस टेबल में डोरेमोन बना हुआ है, तो जिया कहती है मुझे डोरेमोन वाला टेबल चाहिए। नमक चीनी पानी है, शरीर से जो पूरा एनर्जी निकल रहा है थोड़ा सा एनर्जी देगा। जल्दी उठ के पियो। ज्यादा पिया जाता है क्या? तो थोड़ा सा पियो, जितना पीना है उतना ढक के रख देंगे हम। और घूमो ठंडा में, बॉडी दिखा रही थी पानी पीने में। नहीं और थोड़ा बॉडी दिखाना, ऑटो में जाएंगे। आया मजा ऑटो में जाने का? कभी नहीं जाएंगे। एक्सट्रीम एक्सपीरियंस क्या था? एक अलग एक्सपीरियंस लेना था ना, ले लिया एक तो अलग एक्सपीरियंस ले लिए, देखते ना कैसा आ रहा है ना मजा। A few moments later. ये लो। अभी भी गला दर्द कर रहा है क्या? कि यार छूती है तो भी दर्द होता है क्या? नहीं यार छूते दर्द। क्या हुआ, नया दांत आ रहा है क्या? अच्छे हैं। या टॉन्सिल हो रहा है? टॉन्सिल ही लग रहा है। हुआ टॉन्सिल है, हम डॉक्टर तो है नहीं जो को बता रहे। अभी थोड़ा देर करो आराम, फिर आप गर्म पानी करके दे रहे हैं। आप जाओ अपना काम करो। काम क्या करो, किचन का काम करो। दाल चावल बनना है, आलू का भुजिया भी बना दे। तुम भी क्या याद रखोगी, बना देते हैं। A few moments later. दीदी ने रोटी और साग में बना दिया है, लेकिन चावल और दाल नहीं है, और हम बिहार के लोग चावल और दाल नहीं खाए तो मन भरता ही नहीं। तो जाते हैं जी, अब अपना चावल और दाल बनाने की तैयारी करते हैं। मार्केट में देखने पुराना आलू ही मिल रहा है, और ये पुराना आलू जो है थोड़ा सा मीठा लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इंतजार कर रहे कब नया आलू मार्केट में आए और ले, और आलू भी इतना महंगा आजकल पूछिए मत, आलू है कि सोना है। इधर जो है भुजिया चढ़ चुका है, और अब जो है दाल की तैयारी करते हैं। दाल जब बन जाएगा फिर चावल तो लास्ट में बना ही देंगे। 3 आदमी के लिए 3 मुट्ठी दाल। एक चीज़ आपसे सलाह लेना चाहूँगा, यहाँ जो टाइल्स है यहाँ देख रहे हैं एक दो, ये गंदगी जमा हुआ है, इसको कितना भी हम कोशिश करते हैं साफ करने का, खूब रगर रगर के साफ कर चुके हैं लेकिन साफ ही नहीं होता है। ये टाइल्स का गंदगी कैसे साफ करें प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि उम्मीद थी भुजिया थोड़ा सा जल चुका है, और ये जो कढ़ाई देख रहे हैं आप, ये कढ़ाई 1991 का है। मम्मी जब पहली बार कटिहार में आई थी उस टाइम जो खरीदी थी वह कढ़ाई है, ये नया कढ़ाई भी है लेकिन इसी कढ़ाई में अभी बना रहे हैं। A few moments later. ये देखिए दाल तो बन गया है, लेकिन इसमें मैंने पानी कुछ ज़्यादा डाल दिया है।
तो अब इस पानी को सोच रहा हूँ जला दूँ और फिर कुछ करूँ इसका। मैं कर क्या रहा हूँ, रात में भी कुछ दाल बचा हुआ था तो रात के दाल को इसमें मिक्स कर देते हैं और फिर कुकर चढ़ा देते हैं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ जो है मैंने चावल लगा दिया है और चावल लगाने के बाद दाल उधर गर्म हो ही रहा है, धीमी आंच पर रख दिया है। तब तक मैं नहा करके आता हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम देखता हूँ मैं। A few moments later. हम नहा करके आ चुके हैं और अपना दाल भी तैयार कर लिया है। वो जो एक्सपेरिमेंट रहा मेरा सक्सेसफुल रहा, ठीक ठाक दाल बन गया है। तो आपको दिखाते हैं दाल, छौंका भी लगा चुके हैं हम इसमें। तो ये देखिए मेरा दाल जो है तैयार हो चुका है। बस इसमें ये भी डालना था, हरा लाल मिर्च और तेज पत्ता, जो कि खत्म हो चुका है, मार्केट से जा करके लेंगे। तो इसमें बस जीरा और तेल का छौंका लगा दिया, लग रहा है ठीक ही बना है। आप में से कई लोग कहते हैं कि यह पतला दाल है, कई बार जो वीडियो डालते हैं हम पतला दाल ही खाते हैं, हमारे घर में यही अच्छा लगता है सभी को। वैसे ये थोड़ा ज्यादा पतला हो गया है। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरा चावल भी बनकर तैयार है, सब इंतजार है पापा का। जल्दी से पापा का पूजा खत्म हो, उनको खाना देंगे और उनको खाना देने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। आज अपने हाथ का बनाया हुआ खाएंगे, अपने हाथ का बनाया हुआ खाना कैसा भी हो मजा तो आता है। तो चलिए आप जिया से भी पूछ लेंगे कि खाना कैसा बना, तो जिया बताएगी। तो आप खा करके बताओ कैसा लगा। भुजिया तो बहुत अच्छा, नमक भी ज्यादा नहीं है। भुजिया में नमक ज्यादा नहीं है, ठीक है। इस बार सब कुछ बैलेंस में है जी। ओहो हो, दाल खाओ तो, दाल कैसा है, दाल भी सही है, नमक तेल सब बैलेंस में है ना। ओहो हो, हमको तो प्राइज मिलना चाहिए। तीन सामान बनाए, तीनों में से एक भी गड़बड़ नहीं, सीख रहे हैं, संगत का असर है। जानकर मुझे काफी अच्छा लगा कि इस बार खाने में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। मुझे लग रहा था भुजिया थोड़ा सा जल गया है, तो लेकिन पता चला ना आपको कितनी खुशी मिलती है जब कोई बोलता है कि अच्छा खाना बना, तो कुछ सीखो आप उनसे। बहुत बढ़िया। 2 hours later. बाहर से क्या क्या लेके आना है? बाहर बाहर से लेकर के आना है दूध, खीर। खीर लेके आएगा? चावल लेकर के आएंगे। बहुत बढ़िया, हमको लगा खीरे आप खरीद के लेते हैं। अच्छा, मिलता हमें, ले आते हैं। बहुत बढ़िया। दूध लाना है, चावल लाना है, के अलावा तुम्हारा दवाई लाना था, सबसे मेन चीज तो वही है। और उसके अलावा और क्या हो गया? भूल गए ना। क्या है? भूल गए फिर से। कुछ नहीं भूले, यही तीन चीज़ बोले थे ना, कुछ लेके आना, तीखा खाना है। अच्छा, कुरकुरे लेना है, टेढ़ा है पर मेरा है। अमूल दीजिएगा 1 liter। ब्लॉग को आप यहीं पर खत्म करते हैं। और मेरे पतिदेव तो कुरकुरे लाना भूल गए। अच्छा। जी हम भूल जाते हैं, जब भी चार सामान बोले तो उसमें से एक सामान जरूर भूल जाते हैं या दो सामान। ये दो सामान भी बोलो तो एक सामान आता है, जबकि हम पूरा लिख के व्हाट्सएप कर दिए। हम बातें व्हाट्सएप देखे ही नहीं, वैसे ही हम ले रहे थे। तो जी अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, क्योंकि हमारा कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले आपको मिले। और जी शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।